भाई और मित्रों, आप भरोसा कीजिए, आप भरोसा कीजिए, कुछ लोगों ने मिलकर किस तरह से नीतीश कुमार जी की छवि को तार तार करने का काम किया है। नीतीश जी आज खुद अपनी इच्छा से नहीं कुछ कर रहे, नीतीश जी ने खुद को हमने कहा कि आप समर्पण कर दिया है, तब इस स्थिति की शुरुआत हो गई है। जिस दिन पूरे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के लोग सरकार में आ जाएंगे, उस दिन बिहार की दुर्गति फिर से क्या होगी आप लोग सोच सकते हैं। समय जब से महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार जी ने सरकार बनाई, तब से कितना बड़ा समझौता नीतीश जी ने किया है। कभी नीतीश कुमार जी बोलते थे भ्रष्टाचार के मामला में बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है, व्यवस्था के मामला में, और फिर से वही राज की शुरुआत हो गई है। जिस राज में रोज हत्या अपहरण लूट बलात्कार की घटना थी, अब तो पटना में डॉक्टर का अपहरण होता है, हत्या तो रोज सब जगह हो रही है, हर तरह से हत्या अपहरण लूट बलात्कार की घटनाएं फिर से होने लगी है। 2005 के पहले जिस तरह से हो रही थी फिर से होने लगी है। तो भाई और मित्रों, अभी राष्ट्रीय जनता दल के लोग पूरे तौर पे सरकार में नहीं, पूरे तौर पे सरकार में नहीं है, तब इस स्थिति की शुरुआत हो गई है। जिस दिन पूरे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के लोग सरकार में आ जाएंगे, उस दिन बिहार की दुर्गति फिर से क्या होगी आप लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम सब लोगों ने संकल्प ले लिया है, हमने कह दिया है संकल्प ले लिया है, हम लोग को निकल पड़े हैं बिहार भर में लोगों के बीच में, चाहे जितनी विपरीत स्थिति का सामना करना पड़े हम लोग करेंगे, लेकिन बिहार को फिर से उस स्थिति में नहीं लौटने देंगे। और इसी संकल्प के साथ हम आपके बीच आए हैं, हम आपसे भी आग्रह करने के लिए आए हैं, जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं, जो उम्मीद हम लोगों की नहीं थी, जितनी अपेक्षा नहीं थी, उससे ज्यादा लोगों का समर्थन दिख रहा है, चौतरफा समर्थन दिख रहा है। भाई और मित्रों, अब इस स्थिति में हम आपसे भी आग्रह करने के लिए आए हैं, भागलपुर के भाइयों और बहनों, आपसे भी आग्रह करने के लिए आए हैं, ताकत दीजिए, सहयोग कीजिए। आप सब लोगों ने मिलकर ताकत दी, सहयोग किया, तो हम लोगों ने जो संकल्प लिया है कि बिहार को न सिर्फ उन हाथों में जाने से बचाएंगे, उस संकल्प को तो जरूर पूरा करेंगे, बिहार को न सिर्फ उन हाथों में जाने से बचाएंगे, बल्कि आगे आने वाले दिनों में बिहार को बनाने का भी काम करेंगे, बिहार को बढ़ाने का भी काम करेंगे। यही आग्रह करने के लिए आए थे। अभी लंबी यात्रा, यहाँ से हम लोग को जमुई तक जाना है। आप सब लोगों ने इतना, जब से हम अभी मुंगेर से चलकर इस जिला की सीमा में सुल्तानगंज के पास हम प्रवेश किए, वहीं से इतना अच्छा स्वागत, हर जगह लोग सड़क पे आ जाते हैं, इतना अच्छा समर्थन, हर तरह से आपके समर्थन को देखकर हम लोगों का भरोसा तो पक्का हो गया है कि पटना में जो हम लोगों ने निर्णय लिया, उस निर्णय के साथ आप सब लोग खड़े हैं, बिहार भर के लोग खड़े हैं। भाई और मित्रों, आप भरोसा कीजिए, आप भरोसा कीजिए, कुछ लोगों ने मिलकर किस तरह से नीतीश कुमार जी की छवि को तार तार करने का काम किया है। नीतीश जी आज खुद अपनी इच्छा से नहीं कुछ कर रहे हैं, नीतीश जी ने खुद को हमने कहा कि आत्मसमर्पण कर दिया। कुछ लोग, दो चार लोग हैं जनता दल यूनाइटेड में भी, जिनके सामने नीतीश जी ने आत्मसमर्पण कर दिया, नहीं सौंपने देंगे। हम सब लोगों ने पटना में बैठ कर उनसे कहा, नहीं माने, अलग हटकर हम निकल पड़े हैं, हम सब लोगों ने मिलकर अपनी पार्टी बना ली है और आपके बीच हम आग्रह करने आए हैं। आज देख रहे हैं, जब से महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार जी ने सरकार बनाई, तब से कितना बड़ा समझौता नीतीश जी ने किया है। कभी नीतीश कुमार जी बोलते थे भ्रष्टाचार के मामला में बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है।